झोटवाड़ा स्थित श्री रामनगर कॉलोनी में महिलाओं ने चैत्र नवरात्र और नववर्ष बड़े उल्लास के साथ मनाया। लाइव न्यूज नाउ चैनल जयपुर कालवा रोड काटा चौराहे के पास श्री रामनगर न्यू आदर्श बीएड कॉलेज में हिंदू नववर्ष और चैत्र नवरात्रि के त्यौहार पर कॉलोनी की सैकड़ों महिलाओं व स्टाफ ने पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ पूजा अर्चना कर पूरी परंपरागत तरीके से मनाया। आपको बता दें कि न्यू आदर्श परिवार के सदस्यों द्वारा माँ को घर में विराजमान करने से पहले कॉलेज द्वार पर अलग अलग सुंदर रंगारंग रंगोली बनाई गई। पार्षद वार्ड 36 श्रीमान शेर सिंह जी धाकर के सहयोग व नगर निगम स्टाफ द्वारा भी झाड़ू सफाई व रंगोली बनाई गई। इसी बीच उपस्थित कॉलोनी की सैकड़ों महिलाओं ने स्कूल के आंगन में ढोलक तबला बजाकर गीत गाकर व नृत्य करके गौर गौर बिंदोरा मनाया। बता दें कि आज के दिन इन दोनों त्योहारों को पूरे आनंद श्रद्धा भाव से मनाया। इसी बीच न्यू आदर्श ग्रुप के संस्थापक मनु शर्मा ने बताया कि हर वर्ष ही चैत्र नवरात्र और नववर्ष बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है। इसमें प्रकृति भी अपना पूरा सहयोग देती है, जैसे पेड़ों पर नए फूल पत्तियां आना व मौसम में परिवर्तन होना आदि। इसीलिए आज के दिन व्रत उपवास का भी स्वास्थ्य के नज़रिए से अलग महत्व होता है। उपवास के वैज्ञानिक महत्व की वजह से ही कल से रमजान शुरू हो रहे हैं, जिसमें पूरे माह उपवास किया जाता है। मेरा यही कहना है कि सभी त्योहारों को बड़े धूमधाम से मनाना चाहिए, जिससे आज के युवाओं को भी प्रेरणा मिलती रहे। पूरे भारतवर्ष में इन दोनों त्योहारों को लेकर खासा उत्साह व उमंग है। और कहा कि नवरात्रि का यह पर्व चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा तिथि को मनाया जाता है। हिंदू धर्म में चैत्र नवरात्र को बहुत महत्व दिया गया है। मान्यता है कि यदि इन दिनों कोई भी भक्त पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ विधि विधान से माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करता है तो माँ दुर्गा उसे प्रसन्न होती हैं और उसकी हर मनोकामना पूर्ण करती हैं। ज्योतिष शास्त्र में इन 9 दिनों में दुर्गा माँ की विशेष कृपा पाने के उपाय बताए गए हैं। ये आसान उपाय करने से न केवल आप पर बल्कि आपके घर परिवार पर भी माँ दुर्गा की कृपा बरसती है, घर में सुख समृद्धि आती है। इस अवसर पर कॉलेज के डायरेक्टर ममता शर्मा व संरक्षक हरि प्रसाद व श्रीमती गीता देवी, श्रीमती किरण देवी निदेशक टीम मौजूद रही। आदर के साथ सभी महिलाओं का स्वागत सम्मान किया गया। लाइव न्यूज नाव चैनल से शत्रुंजय कुमार सिंह।